पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने एक हफ्ते में शंभू बॉर्डर खोलने के आदेश दे दिए हैं। 13 फरवरी से किसान पंजाब हरियाणा की सीमा शंभू बॉर्डर पर धरना दे रहे हैं। पंजाब और हरियाणा सरकार दोनों को राष्ट्रीय राजमार्ग खोलने के लिए आदेश दे दिए गए हैं। साथ ही कहा गया है कि दोनों सरकारें कानून व्यवस्था बनाए रखें। कुछ ही दिन पहले शंभू बॉर्डर खोलने के लिए पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई थी। एडवोकेट वासु रंजन शांडल्य की तरफ से जनहित याचिका लगाई गई थी। इसमें शंभू बॉर्डर NH-44 खोलने की मांग की गई थी। याचिका में कहा गया है कि अंबाला के व्यापारी भूखमरी की कागार पर आ गए हैं। दुकानों पर काम करने वाला स्टाफ और फड़ी रेहड़ी वालों को राहत देने की बात भी याचिका में कही गई। इसके अलावा शंभू बॉर्डर से होकर जाने वाले इमरजेंसी वाहनों को अस्थायी रास्ता देने की भी मांग की गई थी। हाईकोर्ट ने फैसले का किसान नेताओं ने स्वागत किया है। किसान नेता मंजीत राय ने कहा कि हमें अभी आदेश की कॉपी नहीं मिली है, लेकिन हम हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। सर, आपने मेरी याचिका ये थी कि किसान अपना MSP के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो कि उनके राइट टू प्रोफेशन के अंडर आता है और उनका राइट बनता है कि वो अपने फसलों का मिनिमम सपोर्ट प्राइस लें और उनको सारे राइट हैं प्रोटेस्ट करने के। तो मैंने सबसे पहले याचिकाएं डाली, फिर कुछ किसानों के खिलाफ पड़ी, फिर कुछ साथ में पड़ी, वो मेरी पिटीशन के साथ जज साहब ने अटैच कर दी थी। बट पिछली 28 मई की तारीख को मैंने बहस की कि शंभू बॉर्डर जो पिछले 6 महीने से बंद है, इसको खुलवाया जाए कि कितने टाइम तक स्टेट इसको बंद रखना चाहता है। तो इसके ऊपर स्टेट ऑफ हरियाणा ने ऑब्जेक्ट किया कि ये पार्शली खुला है नेशनल हाईवे, उसको हमने काउंटर करते हुए बोला कि ये कोई खुला नहीं है। मेरे पास फिजिकल एविडेंस था तो हमने वो पेश किया। उसके बाद जज साहब ने स्टेटस सीक किया बाय वे ऑफ एफिडेविट, जो कि इस डेट पे आज एफिडेविट आया कोर्ट में और उसके ऊपर बहस हुई। उसमें एफिडेविट में लिखा हुआ था कि ये पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए स्टेट ऑफ हरियाणा ने बंद कर रखा है। तो मेयर एक्सरसाइजिंग ऑफ फंडामेंटल राइट बाय सम सिटीजंस कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज वायलेशन ऑफ द पब्लिक ऑर्डर और दे विल वायलेट द पब्लिक ऑर्डर। तो हमने इसको काउंटर किया कि ये सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 1, इवन इफ इट इज अज्यूम्ड दैट दे आर द फार्मर ऑफ पंजाब ओनली, दे हैव ऑल द राइट टू मूव टू एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया।